नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल डी स्टडी लर्न स्मार्टली पे। तो समय को ना जाया करते हो, आज रीजनिंग के रेलवे के पूछे हुए वेरियस कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट 30+ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 366। एक कथन का अनुसरण करने के बाद दी गई कार्रवाई के दो निर्देश द्वारा किया जाता है। आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कार्रवाई का कौन सा निर्देश मजबूत है, मतलब कथन है और उससे रिलेटेड कार्रवाई जो है वो सही है या नहीं, ये बताना। तो कथन है, हमारा विद्यालय में KG-1 की प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्यवाही का निर्देश, पहला, चयन के मापदंडों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा, विद्यालय के सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोली जानी चाहिए। इसका ऑप्शन है ए, केवल दो मजबूत, बी, दोनों एक और दो मजबूत, सी, ना तो एक ना ही दो मजबूत, डी, केवल एक मजबूत। क्या होगा बताएं जल्दी, आपके आपके पास 10 सेकंड का समय है। देखिए, विद्यालय में KG-1 में प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जाहिर है कि गार्जियन जागरूक है, समाज शिक्षित हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जाहिर सी बात है, सीटें कम होगी तो आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, चयन के मानदंडों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। बहुत सारे गार्जियन फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं, तो आप जो आपका क्राइटेरिया है उसको पहले आपको पता होना चाहिए, हाँ, कि हमने किस क्राइटेरिया को रखा है और गार्जियन इसको फुलफिल कर पा रहे हैं, बच्चा उसका फुलफिल कर पा रहा है, तो यह आगे। पहला तो ये सही हो गया। दूसरा, विद्यालय में यदि छात्र ज़्यादा हो जाते हैं दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या अलग से कक्षाएं देनी चाहिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, एक और दो दोनों मजबूत हैं। यानी आंसर हो गया हमारा बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। MN रेखा के संदर्भ में निम्न आकृति को प्रतिबिंब को चयन करें कि कौन इसका प्रतिबिंब होगा, MN रेखा का अपोजिट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा उत्तर जल्दी बताएं। इसका आंसर यू तो बी है, बट हमारे ऑप्शन में ये चीज़ हमारा बी नंबर जो है हमारा सी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्न के कथन का उसके बाद दी गई दो अवधारणा फर्स्ट और सेकंड का द्वारा अनुसरण किया गया है। आपको कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं पर पुनर्विचार करते हुए तय करना है कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्हित हैं। भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते, यह कथन है हमारा। अब अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय मानक अधिकार सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में मुश्किल है, पहला। दूसरा, भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है, क्या हो सकता है, ए, बी, सी या डी। ठीक से पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में मुश्किल होती है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मानक है तभी तो हम जान रहे, तभी तो इसको सोच करके ही हम आगे अस्पताल वगैरह बनवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है, सही बात है, क्योंकि भारत के अस्पताल प्रबंधन में आए दिन यह कमी देखी जाती है कि वो सुरक्षा से रिलेटेड जो है चीज़ों को सही से नहीं रखते हैं, व्यवस्था उसकी ठीक नहीं होती, जो जिनको वो ज़्यादा चिंता के रूप में नहीं लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, केवल अंतर्हित, केवल अवधारणा दो अंतर्हित है, यानी बी सॉरी ए, ए हो जाएगा आंसर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। सभी सोने आभूषण हैं, सभी आभूषण चमकते हैं, निष्कर्ष, सारा सोना चमकता है, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है, बनाया जाए इसे। सभी सोना आभूषण, सभी आभूषण चमकते हैं, सभी आभूषण क्या कर रहे हैं, चमकते हैं। अवधारणा फर्स्ट और सेकंड देखना है,
सारा सोना चमकता है, सारा सोना चमकता है, ठीक है। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है? नहीं, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक दो फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल एक या दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, या अंतिम डी, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए गए कथन उसके बाद पर एक बाद एक और दो क्रमांक में दो अवधारणाएं दी गई हैं। आपको अवधारणा को पढ़ना है, यदि कथन है और अवधारणा है उनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सही होगा। पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया, यानी किसी टीवी हो गए या पेपर हो गए, इसमें एक विज्ञापन आया कि पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल। अवधारणाएँ क्या है? बाज़ार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध है, सही बात है। तेल होंगे तभी तो उपलब्ध होगा, तभी तो मतलब खाना पकाने का तेल है, स्वास्थ्यवर्धक बता रहा है, और तेल भी हो गया और कंपनी का भी। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होता है। जनरल जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता है और वही उसकी प्राथमिकता होती है। क्या हो सकता है इसका आंसर? जवाब देंगे केवल एक दो, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा ए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सुंदर और प्रकाश कैरम खेलने, क्या खेलने? कैरम खेलने। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तब उस प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में? देखो, हम ये जानते हैं जब कैरम खेलते हैं तो कैरम में चार कोना होता है, और अगर दो प्रतिद्वंदी खेलते तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो यह कह रहा है कि अगर सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, अगर वो दक्षिण पूर्व में बैठा हुआ है तो उसका होगा, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण हो गया इधर, तो उत्तर पश्चिम होगा। देखिए, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रकाश का, यदि प्रकाश मुख दक्षिण पूर्व है, ये तो आप पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यदि प्रकाश का मुख जो है दक्षिण पूर्व में, यानी इधर, इसका अपोजिट का किधर होगा? तो उत्तर पश्चिम में। क्या होगा इसका आंसर? उत्तर पश्चिम। क्या होगा इसका आंसर? उत्तर पश्चिम, यानी डी नंबर। बढ़ते, ओ माफ करना, डी नंबर उत्तर पश्चिम में होगा। बढ़ते अगले सवाल करते। निम्न में से विषम की पहचान कीजिए, MWET। देखिए, इसको दो तरीके से छांटा जा सकता है। पहले आप दिमाग लगाएं, बताएं कौन सा आंसर होगा, ए बी सी या डी। बिल्कुल सही। देखिए, इसका ये आंसर होगा, कैसे मैं बताता हूँ आपको, सी यानी ए नंबर। पहला तो देखो कि MWT कॉन्सोनेंट है, ई भावेल है। ई क्या है? भावेल, जो कि सबसे अलग है। दूसरा देखो, MWT ये सादे सीधे सिंपल एकदम सीधा इमेज है, बल्कि जब आप ई को देखोगे तो ई अपोजिट करके लिखा है, तो ऐसे भी ई भिन्न हो गया। एक तो ई अपोजिट लिखा है वैसे भिन्न हो गया, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, हाँ, और ये भावेल है, इस कारण भी भिन्न हो रहा है। देखो, आप समझ गए होंगे आप सर, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। उपरोक्त वेन आरेख किस कक्षा में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो तीन खेल MNL खेलते हैं,
एन और एल खेल खेलने वाले परंतु एम खेल ना खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। मतलब तो तीन तरह के खेल है एम एन एल, ठीक है, जिसको तीन तरह के विद्यार्थी खेलते हैं। कुछ दो के साथ खेलते हैं, कुछ आपस में एम एन खेलेंगे, कुछ एन एल खेलेंगे, कुछ एल एम खेलेंगे। लेकिन पूछ रहा है कि एन और एल खेलने वाले खिलाड़ी, हाँ, जिसमें एम ना खेले, तो वो कौन सा हो सकता है? जल्दी से आंसर दें, ए बी सी या डी। एम प्लस एन, ये खेल जो है हमारा मात्र 9 प्लेयर खेल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए, मैंने आपको त्रिभुज काउंट करने बताया था, ठीक है, इसको आप काउंट करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं बताऊँगा, आपको आगे सॉल्व करना होगा, आप खुद से चेक करेंगे। देखो, इस तरह की आकृति में एक एक दो और ये मिला के तीन त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, तो देखो इससे तीन बन गए, तीन तीन, इधर से तीन, फिर ये तीन, ये भी तो एक बनेगा हमारा, ये दोनों, ठीक है, तो तीन चक्कू 12, ठीक है, अब 12 इधर हो गया। अब देखो, तीन 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 कितने होगा, 24, ठीक है, उसके बाद देखो 25, 26, उसका 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 इधर हो गया, ठीक है, 33, 34, ठीक है। आपको ये आंसर कमेंट करके बताना कितना होगा, आगे भी काउंट होंगे, आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, मैंने इसे काउंट कर रखा है, मैंने कुछ दिन पहले ही इसको प्रैक्टिस किया था, तो आप इसे काउंट करोगे तो इसका आंसर होगा 44। अगर ना बने तो आप कमेंट करें, मैं गिन के आपको बताऊंगा बाद में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला ज्ञात करें, सिंपल है, 3, 6, 12, 24, 48, बताओ इसका अगला क्या होगा? ए 95, बी 100, सी 96, डी 105। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सी 96। जिन बच्चों का नहीं बना मैं बता रहा हूँ, 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, ठीक है, 48 दुना 96, यानी आंसर हो गया हमारा सी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए, कौन इसमें से विषम है? सिंपल है, ए बी सी या डी, इसका आंसर होगा डी। वो क्यों? देखो, आप सर्कल से सर्कल बन रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कनेक्ट होकर बन रहा है, ट्रायंगल से ट्रायंगल कनेक्ट होकर बन रहा है, पर ये देखो, ये इसमें दो सेपेड हैं और दोनों अलग अलग हैं, ये आपस में जुटे भी नहीं, अगर ये आपस में जुट भी जाते तो कुछ सेप बन सकता था, इसलिए इसका डिफरेंट क्या हो गया, डी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक प्रश्न में दो कथन दिए गए, निर्णय कीजिए कौन सा कथन उत्तर देने के लिए आवश्यक है। जेड की कितनी पुत्रियां हैं? एक्स और वाई यू की पुत्रियां, एक्स और वाई यू की पुत्रियां, चलो बनाते हैं, भी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है। बताएं आप लोग भी आंसर, आपको इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है, मैं भी ट्राई करता हूँ। एक्स वाई बहन है तो भाई बहन है तो इक्वल्स टू चलेगा, यू की पुत्री है, किसकी पुत्री है, यू की, यू मेल है या फीमेल या पता नहीं, लेकिन एक जनरेशन इससे ऊपर है, ठीक है, ये एक जनरेशन ऊपर है, भी एक्स का भाई है, भी एक्स का भाई है, चलो ये प्लस हो गया, यानी ये भी एक्स वाई, ये तीनों भाई बहन है आपस में, और जेड का पुत्र है, यानी जेड जो है, जेड और यू आपस में कपल है,
लेकिन कौन पिता है कौन पुत्र ये पता नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या करे, जेड की कितनी पुत्रियां हैं, तो जेड की कितनी पुत्रियां हैं, दो पुत्रियां हैं, इससे क्लियर हो गए, यानी कथन एक और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन का उत्तर देने के लिए दोनों पर्याप्त हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल में कुछ अंतर गलत है। सहरी प्रयुक्त होने पर भी पदार्थ का आकार बनने, एक्चुअली क्या है कि पदार्थ का आकार होना चाहिए। पदार्थ का आकार कब होने, पदार्थ एक प्रकृति है, वह ठोस पदार्थ द्वारा ही प्रकृति दर्शाए, यानी पदार्थ हमेशा ठोस होता है। चलो ठीक है। दूसरा, सरलता से बहना बाह्य बल में प्रयुक्त होने के आकार में परिवर्तन करना, यह पदार्थ पदार्थ की तरह प्रकृति, यानी पदार्थ का ठोस हाँ और द्रव्य, यहाँ पर ठोस और द्रव्य, द्रव्य का गुण बता रहा है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। दोनों चीज़ सही है, ठोस के बारे में भी सही करा है, द्रव्य के बारे में भी सही करा, यानी ए और बी दोनों सत्य है हमारे विचार से, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, भाई लग चुकी है, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क, हाँ सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करें। सही बात है, शराब पीने से बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं, लूटपाट चोरी चमारी घरेलू हिंसा होता है, इन चीज़ों को खत्म करने के लिए, जीवन का स्तर सुधारने के लिए इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, नहीं प्रतिबंध लगाने से सरकार काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई बात नहीं है, आपको अगर राजस्व की हानि हो रही है तो आप किसी भी और चीज़ से, ट्रांसपोर्टेशन से, दुकान से, या फिर चुंगी कर, इन सब चीज़ों पर आप बढ़ा करके ले सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से सरकार को इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से सी, यानी केवल तर्क एक मजबूत होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित आकृति में से विषम को पहचानें। सिंपल है, दिख रहा है ए बी सी डी, आप बताओ कौन सा होगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं दूंगा। रेडी जी? बिल्कुल सही, डी ये होगा, यानी ये डी नंबर। देखो क्यों, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, बड़ा स्क्वायर छोटा स्क्वायर, बट ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और ये नीचे कुछ अजीब सा शेप है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न, आकृति में दिए गए आकार का उपयोग करके कौन सा उत्तर बना जा सकता है। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद मिलेंगे अगले सीरीज में, जीएस के सीरीज में। दोस्तों, मैं हो सकता है आपके लिए ले आऊँ प्रमुख कम आपको विटामिन के रिलेटेड नाम, और उसके अलावा मैं केमिस्ट्री के रिलेटेड इम्पोर्टेंट नाम, सूत्र एवं घरेलू उपयोग में लिए गए नाम को, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ये 381 नंबर देखिए, कौन सा मिला के कैसी आकृति बनी, कौन से दिख रही है इसमें, मतलब ये आकृति किस में है, किस पिक्चर में, ए में, बी में, सी में या डी में, इसमें अंतर ही था। देखिए ये है आपका यहाँ, ये है आपका यहाँ, ये है आपका यहाँ, यानी इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। तो मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।